अहम खबर है, नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क से आ रही है खबर। शेरनी तारा अक्टूबर की शुरुआत में दे सकती है खुशखबरी। शारीरिक संरचना में बदलाव से उम्मीद जगी है। तारा का एशियाटिक लॉयन शक्ति के साथ बनाया गया था जोड़ा। IVRI बरेली भेजे जा रहे हैं सैंपल, रिपोर्ट से इसकी पुष्टि होगी। लॉयन शक्ति के साथ लॉयन सफारी में रखी गई थी तारा। 10 अगस्त को शेरनी दुर्गा ने भी दिया था 2 शावकों को जन्म। हालांकि एक मृत पैदा हुआ था और दूसरे की 2 दिन बाद मौत हो गई थी। अब NBP प्रशासन तारा को लेकर पूरी एहतियात बरत रहा है। डॉक्टर अरविंद माथुर खुद तारा की एक्टिविटी की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निर्मल, उम्मीद एक बार फिर जागी है कि नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क से खुशखबरी जल्द मिल सकती है। निश्चित तौर पर श्वेता, देखिए बड़ी खबर इस मायने में है क्योंकि इसी महीने 10 अगस्त को जब वहां जो दुर्गा नाम की जो शेरनी थी एशियाटिक लायनेस, उसने भी 2 शावकों को जन्म दिया था, लेकिन एक मृत पैदा हुआ और एक की 40 घंटे बाद ही मौत हो गई थी। तो वो जो खुशखबरी थी वो गम में बदल गई थी। लेकिन खास बात यह है, इसी जो शक्ति था, शक्ति नाम का जो एशियाटिक लायन है, उसके साथ ही तारा का भी पेयर बनाया गया था। तारा पहले से ही नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में मौजूद थी। दोनों को लायन सफारी में साथ साथ छोड़ा गया, दोनों मैटिंग पार्टनर बने। और अच्छी बात यह है कि उसका जो शारीरिक संरचना है जो तारा की, उसमें साफ तौर पर बदलाव दिखाई दे रहा है। तो उसके बाद से उसके सैंपल कलेक्ट करके जल्दी ही IVRI बरेली भेजे जा रहे हैं ताकि पता पड़ सके कि वो गर्भवती है या नहीं। लेकिन जिस तरह की संरचना में बदलाव नजर आ रहे हैं, डॉक्टर अरविंद माथुर से हमारी बात हुई, तमाम जो दूसरे केयर टेकर उनसे बात हुई, उनका कहना था कि एक अच्छा संकेत मिल रहा है और उम्मीद की जा रही है कि अक्टूबर के पहले सप्ताह के अंदर ये शावकों को डिलीवर कर सकती है। हालांकि इसकी पुष्टि तो IVRI बरेली से जब जांच के जो सैंपल की जो जांच है उसके रिपोर्ट आने के बाद ही कहा जाएगा कि वो पॉजिटिव है नेगेटिव है। लेकिन जिस तरह की शारीरिक संरचना में बदलाव है, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि एक अच्छी खबर है नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क के लिए, वन्यजीव प्रेमियों के लिए। क्योंकि लगातार ये देखा गया है श्वेता, नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क की बात करते हैं, बड़े ब्रीडिंग सेंटर के तौर पर ये तब्दील हो रहा है। चाहे इंडियन वुल्फ की बात हो, चाहे टाइगर की बात हो, चाहे लॉयन की बात हो, या दूसरे इवन जो स्लॉथ बियर है, जो झुमरी है, वो 2 बार यहाँ पर 2 लीटर उसके हो चुके हैं। हिप्पो जो है, मादा हिप्पो, उसने यहाँ पर बच्चों को जन्म दिया है। तो यहाँ करीब 24 ऐसी प्रजातियां वन्यजीवों की जिनकी ब्रीडिंग चलती है। उसके अलावा अगर हम घड़ियाल की बात करते हैं तो वो भी यहाँ पर ब्रीड करते हैं। यहाँ चौसिंगे ने ब्रीडिंग की है, दूसरे जो जो डियर फैमिली के जो सदस्य हैं उन्होंने यहाँ पर ब्रीडिंग की है। तो माना जा रहा है कि जिस तरह का मुफीद माहौल इनको मिल रहा है, यही कारण है कि यहाँ पर जो वन्यजीव है वो ब्रीडिंग कर पा रहे हैं। और लगातार यहाँ अगर वन्यजीवों की संख्या बढ़ती है तो उससे निश्चित तौर पर जो वाइल्ड लाइफ टूरिज्म है वो तो बढ़ता ही बढ़ता है। साथ ही साथ एक संरक्षण का एक नया एक मॉडल भी हम देश के दूसरे जो चिड़ियाघर हैं या दूसरे जो बायोलॉजिकल पार्क है उनको दे रहे हैं कि हमारे यहाँ किस तरह से वन्यजीव ब्रीड करते हैं। तो निश्चित तौर पर अच्छी खबर है। और इस मायने में भी, क्योंकि 7 साल बाद किसी लॉयनेस ने जन्म दिया था, 2 शावकों को उनकी डेथ हो गई, लेकिन अब चूंकि दूसरी जो लॉयनेस है वो दिखाई दे रही है कि हाँ वो खुशखबरी दे सकती है। और अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क के लिए बहुत अच्छी खबर है। और डॉक्टर अरविंद माथुर और उनकी टीम जिस तरह से काम कर रही है, निश्चित तौर पर वो भी काबिले तारीफ है। उम्मीद की जानी चाहिए कि इस बार जो पिछली बार जो कुछ गलतियां रह गई या कमी रह गई थी जिसकी वजह से दिक्कतें आई, इस बार ऐसा नहीं होगा। और अगर तारा यहाँ शावकों को डिलीवर करती है तो निश्चित तौर पर उसकी डिलीवरी भी सक्सेस रहेगी और वो उसके शावक भी सर्वाइव कर पाएंगे। इस तरह के इंतजाम वन विभाग की तरफ से किए जा रहे हैं जिसमें DCF जगदीश गुप्ता और उनकी पूरी टीम भी लगी हुई है अरविंद माथुर के साथ। श्वेता, चलिए बहुत शुक्रिया निर्मल जी आपका इस पूरी जानकारी के लिए।